निखिलना बहुत ही शुभ होता है। ये एक शुभ संकेत होता है कि आपके घर में कुछ अच्छा होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति आले मध्य प्रदेश से। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई ज्योति जी आज अपनी तिजोरी क्यों दिखा रही है। तो दोस्तों, फाइनली काफ़ी इंतज़ार के बाद इस तिजोरी को खोलने का टाइम आ चुका है, क्योंकि इसमें छुपा हुआ मेरा लक। बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों, मेरी फैमिली के जो पुराने मेंबर्स हैं उन्हें पता है कि इसमें क्या है वो, और फाइनली आज इसे चेंज करने का, रिप्लेस करने का दिन आ चुका है। क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा ये लक फिर से मेरे गार्डन में निकला हुआ है। क्या है वो जानना है तो मेरे साथ बने रहे और जुड़े रहे, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बातें तो होती रहेंगी, साथ में ही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा लक क्या है। तो चलिए सबसे पहले उसे दिखाती हूँ, फिर बातें करते हैं। आइए फ्रेंड्स, ये हल्दी जब मैंने ग्रो करी थी तब भी आप लोगों से वीडियो शेयर करी थी, और ये देखिए जी, इसकी हाइट देखिए कितनी ज़्यादा हो गई है। और ये मैंने लगा रखे इस तरह के थर्माकोल के डब्बे में, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ, दोनों ही ज़बरदस्त ग्रो हुई हैं। इसका एक एक स्टेम दिखाऊँ ना तो बहुत ही मोटा है, यानी कि इसमें हल्दी लगेगी तो भी बहुत ही मोटी गांठ निकलेगी, मुझे ऐसा लगता है। ये देखिए जी, मैंने लगाया था मानसून से पहले, और जब भी लगाया था मैंने आप लोगों को वीडियो शेयर करा था ना, मैंने इसकी मिट्टी बहुत पोरस और हेल्दी बनाई थी। कहा जाता है कि हल्दी को लगाने से आपके घर का जो वातावरण पॉजिटिव होता है, और साथ ही नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, हवा भी शुद्ध होती है, और लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो फाइनली मेरे तिजोरी में रखे हुए फूल को हटाने की बारी आ गई। तो देखो, ऐसे करके दिख नहीं रहा है कुछ भी, लेकिन ना ये फूल कहाँ छुपा हुआ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखे जी, यहाँ छुपे बैठे हैं भाई साहब। ये यकीन मानिए इतना खूबसूरत है, और साथ में बहुत ही चमत्कारी भी। ये देखे जी, छोटा है लेकिन बहुत ही खुशी हो रही है मुझे, आप लोगों को क्या ही बताऊं, क्योंकि कई सालों के बाद में ये खिला है चमत्कारी फूल। सारा अनुभव आप लोगों से शेयर जरूर करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो लाभ मुझे मिल रहा है वो मेरी फैमिली मेंबर्स को भी मिले। इस खूबसूरत और चमत्कारी फूल का क्या करूँगी देखते जाइए। मानो या ना मानो, ये हकीकत है कि मेरे साथ में काफ़ी इसका एक्सपीरियंस बहुत पॉजिटिव रहा है, और क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को कि कितनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। पिछले बार जब मेरे यहाँ खिला था तो बिल्कुल ये यहाँ से ज़मीन के वहाँ से इसकी स्टेम निकली थी। हल्दी तो बहुत गुणकारी होता ही है दोस्तों, साथ ही इसके फूल लकी होते हैं बहुत ज़्यादा, इसका घर में खिलना बहुत ही शुभ कहलाता है। कुछ बहुत ही रोचक बातें हैं। सबसे रोचक बात तो ये है कि रेयरली खिलता है, कई सालों के बाद ये मेरे यहाँ खिला है। कहीं ये आपको मिल जाए तो बिल्कुल मत छोड़िए। लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, आप लोग भी लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं दोस्तों कि हमारे पास में ग्राउंड फ्लोर हो तो तभी हम लगाएं। जब पहली बार मेरे यहाँ हल्दी खिला था तो ग्राउंड फ्लोर में खिला था, और अब की बार मैंने इस तरह के कंटेनर में लगाया हुआ है, वो भी थर्माकोल का। मज़ा ही आ गया दोस्तों। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा कि ये है मेरा हल्दी का फूल, जो कि बहुत ही मेरे लिए शुभ रहा है। जब मैंने शुरुआत में वीडियो बनाना शुरू किया था और फर्स्ट टाइम मेरे गार्डन में ये खिला था, इसके बाद में लगातार मैं हल्दी ग्रो करती रही, लेकिन ये कभी नहीं दोबारा खिला। और मैंने तब से जो पुराना वाला फूल था उसे अपनी तिजोरी में रख ही छोड़ा था, और हमेशा उनकी पूजा वगैरह जैसे भी करना वो करती थी। अब इस बात को सुन के कई लोग बोलेंगे कि ये भी क्या बात हुई, तो मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगी, मानो तो शंकर ना मानो तो कंकर, यानी कि सब कुछ विश्वास पर टिका हुआ होता है। और मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ कि वाकई में ये बहुत ही ये लकी होता है। इस तरह से हल्दी का फूल का घर में खिलना बहुत ही शुभ होता है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो
चलिए जी इसे चलते हैं। इस लकी फूल को पाके तो भाई मेरा तो दिन ही बन गया आज, सो ब्यूटीफुल। और ना इसमें हल्दी वाली जो ऐसी खुशबू होती ना वो भी आ रही है, वाजिबा मज़ा ही आ गया। इसे तोड़ लेते हैं और फटाफट अपने ईश्वर को चढ़ा देते हैं। एक्सपीरियंस बहुत पॉजिटिव रहा है और क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को कि कितनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो फ्रेंड्स आज है हल्दी को रखा हुआ दूसरा दिन और मैंने मॉर्निंग की पूजा कर ली है। अब मैं अपने इस फूल को रिप्लेस करूंगी, यानी कि जो पुराना फूल था उसे हटाऊंगी और ये नए वाले फूल को अपने इसी लाल कपड़े में रखूंगी। तो पहले देख लेते हैं जो कई सालों से इस लाल कपड़े में रखा हुआ फूल की कंडीशन कैसी हो गई है। तो पुराने मेरे दोस्तों को पता होगा कि ये वही फूल है और इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई थी जिसे आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया था। ये देखिए जी, ये दो फूल उस टाइम निकले थे और कुछ इसकी कंडीशन ऐसी हो गई है। अब इस पुराने फूल का क्या करना है, इसी किसी गमले में गड़ा दूंगी और नए फूल को मैं फिर से नए पेपर में इस तरह लपेट के और लाल कपड़े में रख लूँगी। ये एक चमत्कारी फूल है दोस्तों, इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये लक्ष्मी को आकर्षित करता है, आपके भाग्य का उदय करता है। इसका खिलना एक शुभ संकेत होता है, घर में शुभ कार्य होता है, बहुत सारे इसके गुण हैं। दोस्तों यकीन मानिए इससे ना बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। तो जी फ्रेंड्स यही थी हल्दी के फूल की जानकारी जो मुझे पता थी और बस आप लोग भी इसे ग्रो करें। इसके कोई नेगेटिव वो नहीं होते, रिजल्ट नहीं होते, सब कुछ पॉजिटिव ही होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस जानकारी का फ़ायदा उठा सके। लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों के ऐसा करने से मेरा हौसला बढ़ता है। मेरी छोटी सी YouTube फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके आप फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन सही वक्त पर मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, बाय।